इस समय बड़ी खबर है हरियाणा के करनाल से, देख सकते हैं इस समय मौजूद है घंटाघर चौक और भगवान वाल्मीकि चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के करनाल में भारत बंद को लेकर आज सुबह तो हालांकि काफी दुकानें खुलना शुरू हो चुकी है। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के वाल्मीकि चौक से, घंटाघर चौक से, जहां पर करनाल में जो बाजार है वो हालांकि खुलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन सभी दुकानदार भाइयों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपील करता है कि भाईचारा और संयम का परिचय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता 10:30 बजे करनाल के कमेटी चौक पर इकट्ठा होंगे, वो भी हाथ जोड़कर बाजारों में घूमेंगे, दुकानदारों से अपील करेंगे कि बाजार बंद रखे किसानों के समर्थन में। वही करनाल के गुरुद्वारा डेरा कारसभा के आसपास जो कुछ युवा किसान है वो भी इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी 10:30 बजे के करीब जो है सड़कों पर उतरेंगे और हाथ जोड़कर सभी दुकानदारों से अपील करेंगे कि बाजार बंद रखे जाए। हालांकि हम आपको ये नहीं कहते कि आप बाजार बंद रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद सोचना है कि आपने भाईचारा और संयम का परिचय देना है, क्योंकि जब ये लोग सड़कों पर उतरेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तब भी आप जल्दबाजी में अपनी दुकानें बंद करेंगे तो कृपया करके आप खुद समझदार हैं, आप इस चीज का ध्यान रखें। और सभी लोगों से अपील है, चाहे वह किसान संगठन के युवा कार्यकर्ता हो, कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, कि आपने दुकानदार भी आपके अपने भाई है, अगर कोई दुकानदार दुकान बंद नहीं करता, खुली रहती है, आपने उससे बहस नहीं करनी है, आपने उससे झगड़ा नहीं करना है, वे भी आपके भाई है, तो आपने संयम का परिचय देना है, भाईचारे का परिचय देना है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज हर अपडेट करनाल की आपके बीच में लाता रहा है, भारत बंद से जुड़े हुए भी आज हम आपको करनाल और हरियाणा की हर खबर दिखाने की कोशिश करेंगे, और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीमें सुबह से आपको 9 बजे से पल पल की अपडेट जो है दे रही है, और हमारी आप सभी से अंत में अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि करनाल और हरियाणा के तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचे कि भारत बंद को लेकर शहर में क्या माहौल है और किस तरह की तैयारी यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने की है, उसको लेकर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सभी थाना SHO हर चौक चौराहे पर खड़े हैं। इस समय घंटाघर चौक करनाल का काफी मशहूर चौक, जहां पर काफी बड़ा बाजार है, और इस समय जो थाना सिटी SHO है इंस्पेक्टर संदीप कुमार वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, हालांकि भारत बंद है, दुकान बाजार खुलना शुरू हुआ है, और जानकारी इस तरह की है कि 10:30 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे, दुकानदारों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे, युवा किसान कार्यकर्ता भी जो है वो भी सड़कों पर उतरेगा, युवा किसान भी उतरेगा, वो भी जो है दुकानदारों से इसी तरह से हाथ जोड़कर अपील करेगा, लेकिन कहीं कम नहीं, लगता है कि भाईचारा और संयम जरूर बनाकर रखना चाहिए दुकानदारों को। नहीं, जैसा कि कल हमारे SP साहब ने कल ही बता दिया था कि जो ये बंद है फोर्सफुली ना हो, अगर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई बंद करता है तो करे, अदरवाइज को फोर्स ना करे, इसको हमने इंश्योर कराना। तो दुकानदारों से अपील करेंगे कुछ? हाँ जी, बिल्कुल अपील कर दिया, इनकी मर्जी है दुकान नहीं खोलने या ना खोले, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है बंद करना चाहे बंद करे, अदरवाइज हमारी फोर्स पूरी है और इंश्योर करेंगे बिल्कुल अपना बाजार। पार्टी के कार्यकर्ता हो, युवा किसान हो, उनसे भी अपील करेंगे कि आपने भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, भाईचारा बनाकर रखना, किसी से बहस नहीं करने। नहीं, बिल्कुल हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि फोर्सफुली ना करें, वो रिक्वेस्ट करें अगर कोई बंद करता है ठीक है, अदरवाइज तो बाजार चलता रहे। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के मेन बाजार में हम मौजूद है, हम आपको करम गेट मार्केट की तरफ लेकर चलेंगे, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी, आप देख सकते हैं हालांकि मेन बाजार खुलना शुरू हो चुका है भारत बंद को लेकर, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज सभी किसान संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के करम गेट बाजार की, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद है, और ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि भाईचारा और संयम आपने जरूर बनाकर रखना है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट जो है भारत बंद से जुड़ी हुई देता रहेगा, लगातार अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे, व्यापारियों से बातचीत करेंगे, इस समय आप देख सकते हैं जो दुकानदार है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे, आज भारत बंद किसान यूनियन की तरफ से जो है आह्वान किया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? सर, हम तो सब साथ ही हैं किसानों के, अगर कहेंगे दुकानें मार्केट बंद करनी है तो बिल्कुल हम बंद करेंगे जी, बिल्कुल बंद करेंगे जी मार्केट, हम साथ देंगे उनका, बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे, लेकिन लगता है कि भाईचारा और संयम जरूर बनाकर रखना चाहिए। भाईचारा जी पहले ही है, बाकी सब तो बाद में, पहले ही भाईचारा है जी, अगर कहेंगे मार्केट बंद करनी है तो बिल्कुल करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं सभी दुकानदार हैं, और आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानदारों की तरफ से जिनकी दुकानें जिन्होंने सुबह धूप बत्ती के लिए खोली भी थी, और आप ये लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के मेन बाजार है, और करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए लगातार आप सभी से अपील करता है कि भाईचारा और संयम जरूर बनाकर रखना है, तो कुछ दुकानदारों से बातचीत करना चाहेंगे। ये लाइव तस्वीरें से मैं करनाल के मेन बाजार से आप देख सकते हैं,
सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ दुकानदार है, क्या कहना चाहेंगे सर किसान संगठनों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया, आपने दुकानदार है, आपने दुकान खोली लेकिन आपने बंद कर दी कुछ देर के लिए, क्या कहेंगे? सर फार्मर्स की फीलिंग्स का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ठीक है फार्मर्स जो है उनके साथ हैं, सो हम सहयोग कर रहे हैं, तो जैसे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कहेगी हम उसे अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे डीसी साहब जैसे उनका जो नोटिफिकेशन आएगा या जैसे कहेंगे, जैसे सब मार्केट होगी उसे अकॉर्डिंग हम चलेंगे, मार्केट के साथ हैं और मार्केट जैसे ही सब उनके साथ 2 बजे तक जो है प्रोटेस्ट जो है सड़कों पर करेंगे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कोऑपरेट जरूर करना चाहिए क्योंकि आपस में आमना सामना ना हो, बहस ना हो, हम भी अपील करते हैं। सर देखो अभी तक तो ऐसा कोई माहौल लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा प्रोटेस्ट है या कुछ है, बाकी जैसा माहौल होगा अकॉर्डिंगली चलेंगे। लगातार करनाल देखेंगे तमाम दुकानदारों से अपील कर रहा है कि आपने संयम और भाईचारा बनाकर रखना है और आपका डिसीजन हो सकता है, कोई आपको जोर जबरदस्ती प्रेशर नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि संयम और भाईचारा बनाकर रखे। और इस समय जो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के भगवान वाल्मीकि चौक से आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, घंटाघर चौक से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मेन बाजार है और पुलिस की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से सभी बाजारों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगह जगह नियुक्त किए गए हैं। और जो जानकारी है करनाल में उस पर सबसे पहले हम आपको देना चाहेंगे कि 10:30 बजे के करीब करनाल के इसी चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता वो यहां पर पहुंचेंगे, वो भी पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि दुकानें बंद रखी जाए किसानों के समर्थन में। इसी तरह से करनाल के गुरुद्वारा डेरा कारसेवा के आसपास जो है कुछ युवा किसान भी वहां पर इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद वह भी जो है शायद सड़कों पर आ सकते हैं, वो भी दुकानदारों से अपील करेंगे जिस तरह से उन्होंने कल बताया था कि वह भी जो है सड़कों पर आकर दुकानदारों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि भारत बंद में किसानों का साथ दे। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी, तो भारत बंद का आह्वान जो है किसान संगठनों की तरफ से किया गया है, तो आपने आपसी भाईचारा और संयम बनाकर रखना है, आपकी सोच सर्वोपरि है, आप खुद समझदार है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन एहतियात के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा में भी पुख्ता इंतजाम सभी बाजारों में किए गए हैं और करनाल लेकिन उस लगातार आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा कि सावधानी रखें। और सबसे बड़ी बात है युवा हमारे जो भाई है किसान है उनसे भी अपील करेंगे कि आपने संयम और भाईचारा जरूर बनाकर रख रहे हैं, हालांकि दुकानदार आपको पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ दुकानदारों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। आप ये तस्वीरें कलम गेट की देख सकते हैं जहां पर हालांकि काफी दुकानें खुली जरूर है लेकिन 10:30 बजे के करीब जो है प्रोटेस्ट करनाल में होना है, तो उसी को लेकर ध्यान में रखते हुए हालांकि शांतिप्रिय ढंग से बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे हमारी बात हुई है। और आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार है काफी दुकानें बंद है, इक्का दुक्का दुकानें खुली भी हुई है, तो कुछ दुकानदारों से भी अपील करना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर जो किसानों ने करा है ठीक करा है, हम किसानों के साथ है, हम बंद कर रखे हैं सर अपने, आज दुकानें खोली है कुछ एक बंद ही कर रहे हैं, आज फिलहाल अभी खोल रखी है, जैसे किसान कहेंगे वैसे बंद करेंगे सर हम, क्या कहना चाहेंगे सर? दुकानें जैसे किसान कहेंगे वैसे हम लगता है कि संयम और भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी दुकानदार इसी चीज पर राजी है कि जिस तरह से किसानों का अपील रहेगी, जिस तरह से किसान कहेंगे उसी तरह से वह करेंगे क्योंकि वह किसानों के साथ है, इस तरह की बात सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। और करनाल के मेन बाजार करम गेट बाजार की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने जहां पर 50 दुकानें हैं तो 50 में से सिर्फ 5 दुकानें अभी फिलहाल खुली है और सभी अपनी अपनी दुकान में धूप बत्ती पूजा भी कर रहे हैं और धूप बत्ती करने के बाद काफी दुकानदार अपनी दुकानें भी अपनी मर्जी से बंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि वह किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के मेन बाजार से। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, भारत बंद से जुड़ी हर खबर करनाल वेकिंग आपके सामने लाता रहेगा। और हमारी आप सभी से अपील है, खासतौर पर सभी दुकानदारों से अपील है कि भाईचारा और संयम आपको बनाकर रखना है, सभी ने भाईचारा और संयम बनाकर रखना है तभी जाकर जो है आपसी जो सौहार्द है जो शहर का वो बढ़िया चल पाएगा। आप देख सकते हैं हालांकि कुछ दुकानें जरूर खुली है, कुछ दुकानें धूपबत्ती कर रही है और उसके बाद जब किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से सड़कों पर उतर कर मार्च किया जाएगा उसके बाद दुकानें जो है बंद कर दी जाएंगी। इस तरह से दुकानदार कह रहे हैं कि वे किसानों के साथ है। आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर जो है जो पुलिस सुरक्षा इंतजाम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है करनाल के मेन बाजार से, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं।
ये लाइव तस्वीर इस समय करनाल के मेन बाजार से आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ दुकानें जरूर खुली हैं। भारत बंद का आह्वान सभी किसान संगठनों की तरफ से किया गया है। तो लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आपने भाईचारा और संयम बनाकर रखना है, आपने किसी से बहस नहीं करनी है, आपने किसी से झगड़ा नहीं करना है, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे वह राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हो, चाहे वह हमारे युवा किसान हो, आपने भाईचारा और संयम बनाकर रखना है। लगातार करनाल ब्रेकिंग आप सभी से अपील करता है कि आपको भारत बंद से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और करनाल और हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम लगातार पिछले 15 दिनों से आपको दिन रात हरियाणा के दिल्ली से और हरियाणा के तमाम जिलों से हर बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। और हमारी आप सिर्फ आप सभी लोगों से अपील है कि आपने किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपने शरारती लोगों का साथ नहीं देना है। आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मनवाइए, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने भाईचारा और संयम जो है जरूर बनाकर रखना है। और उस समय करनाल के मेन बाजार से आप ये खबर देख रहे थे और हमारी आप सभी से बार बार अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि करनाल और हरियाणा के तमाम दुकानदारों तक ये खबर पहुंचे, सभी दुकानदारों तक खबर पहुंचे, सभी कार्यकर्ताओं तक खबर पहुंचे। और हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।